बार बार कर रहा है। बारवंग की वो जगह है जहाँ का हमेशा इतिहास रहा है और पुराने से लेकर के जितने भी समाजवादी नेता रहे हैं उन्होंने सामाजिक न्याय समाज को जगाने का काम किया। जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक जिनके हक और सम्मान की हमेशा लड़ाई लड़ी गई वही पीड़ित परिवार इस बार भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को हराने जा रहा है। पीडीए परिवार के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है। पीडीए की संख्या को लेकर के जो उन्हें हक सम्मान मिलना चाहिए था इस सरकार ने नहीं दिया और उसका परिणाम यह है कि आज पीडीए परिवार एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। मैं समझता हूं तरुण पुनिया जी इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा यूसीसी उनका संकल्प। देखिए बीजेपी ने जो गड्ढा खोदा था उसी गड्ढे में गिर गए। उनका जो नेगेटिव नैरेटिव था जो नकारात्मक राजनीति थी वो आज नकारात्मक राजनीति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अपने खोदे हुए गड्ढे में बीजेपी गिर गई। देखें ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहता इनका कुछ बचा नहीं। देखिए इस बार यूपी इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें जिता रहा है। एक में लड़ाई में है बल्कि 79 जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री जब रिजल्ट आ जाएगा सांसद अपने आप प्रधानमंत्री चुन देंगे। देखिए जो नेगेटिव नैरेटिव था बीजेपी का आज वो नेगेटिव नैरेटिव की वजह से ही हार रहे हैं। वो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे थे वो उसी गड्ढे में गिर पड़े। ये संविधान बचाने का चुनाव है क्योंकि संविधान ये बदलना चाहते हैं। संविधान बदलेगा तो हक सम्मान न्याय नहीं मिलेगा। ये बहुजन समाज के लोग और जितने भी लोग हैं वो सब एकजुट हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब ना करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करें। कोई रोक Thank you.